बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल को फॉर्म में इंसर्ट करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम चेक बॉक्स कंट्रोल को आप फॉर्म में किस तरह से इंसर्ट करवा सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक टेबल मौजूद है। यहाँ पर हम एक और फील्ड का इजाफा कर देते हैं जिसकी डेटा टाइप होगी यस एंड नो। और जैसे आप इस यस एंड नो डाटा टाइप को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये जो बॉक्सेस बने हुए नजर आ रहे हैं, दीज आर चेक बॉक्सेस, जिसकी वैल्यू या तो यस हो सकती है या फिर नो हो सकती है। अगर आप इस पर टिक मार्क करते हैं तो इसकी वैल्यू कहलाएगी यस यानी वन, लेकिन अगर आप इसको खाली छोड़ देते हैं, एम्प्टी छोड़ देते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी नो यानी जीरो। और इसको हम नाम दे देते हैं मैरिड, यानी हमारा एम्प्लॉय अगर मैरिड है तो आप इसको टिक मार्क कर देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी फील्ड का जो है वो चेकबॉक्स व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आप इसका फॉर्म व्यू देखें तो इसके लिए आप सबसे पहले क्रिएट के टैब पर जाएंगे, फॉर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें तो इस मेरिट के आगे, इस फील्ड के आगे जो है ये जो आपको नजर आ रहा है कंट्रोल, दिस इज कॉल्ड चेकबॉक्स कंट्रोल। और डियर स्टूडेंट्स, आप इस चेकबॉक्स को जो है वो दूसरे बटन में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है चेंज टू का, तो आप इसको टॉगल बटन या फिर ऑप्शन बटन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बटन पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाएगा यस, यहाँ पर इसको ये इंसर्ट करेगा, लेकिन अगर आप इसको खाली छोड़ देंगे तो ये नो इंसर्ट करेगा। अभी दोस्तों हम इसके फॉर्म व्यू पर जाएंगे और यहाँ पर अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये इंसर्ट करेगा यस, लेकिन अगर आप इसको खाली छोड़ देते हैं तो अब ये इसमें आपके डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करेगा नो। तो इस तरह से दोस्तों आप चेकबॉक्स की तरह की जगह टॉगल बटन को भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो एक तरीका हो गया कि फॉर्म के अंदर आप चेकबॉक्स को किस तरह से इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा एमएस एक्सेस के अंदर इस डिजाइन टैब के अंदर आपको मल्टीपल कंट्रोल्स नजर आ रहे हैं, तो इन कंट्रोल्स में ये जो आपको स्क्वायर बॉक्स के अंदर ये टिक मार्क नजर आ रहा है ये कहलाता है चेकबॉक्स कंट्रोल। तो दोस्तों आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करके अगर आप अपने फॉर्म के अंदर, आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और आप जहां भी अपने फॉर्म के अंदर इसको प्लेस करना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेकबॉक्स को अपने फॉर्म के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ जिसमें हमने एक फॉर्म में आप चेकबॉक्स को किस तरह से इंसर्ट करवा सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करें। अगले लेक्चर में हम कमांड बटन या फिर बटन्स को आप अपने फॉर्म में किस तरह से इंसर्ट करवा सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।